अगर ये मान करके निठल्ले हो जाएं, निर्भय हो जाएं, किसके कुछ है ही नहीं, तो अत्याचार और जाति करते हैं तो बड़ा भारी जुल्म है। आपके सिवा कुछ है नहीं, ये सच्चाई है। आपके ऊपर कुछ है नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन इस बात को मान करके हम ढीले पड़ गए कि कुछ है ही नहीं, चलो मैं जैसे करूं वैसे करूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नोट कर लेना, विचार कर लेना, जो हम किसी दूसरे को चीज देंगे, किसी दूसरे को जो चीज हम देते हैं, वो मुड़ करके घूम करके फिर करके और वापिस हमारे पास आए। ये प्रमाणित है, कोई नहीं रोक सकता इसको। चार वेद छह शास्त्र में, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होते, बच नहीं सकते। पुराण इतिहास उठा करके देखो, पुराण उठा करके देखो, जिसको भगवान मानते वो भी अपने मतलब दोस्तों से मुक्त मुक्त हो नहीं सके, बच नहीं सके। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी थी तो भगवान ठूठे हुए खड़े। बाली को छुप करके मारा था तो क्या मतलब, कृष्ण कृष्ण अवतार के अंदर मतलब भील ने मतलब उनको बाण से मारा था, भगवान को भी नहीं बख्शा। नीति एक ऐसी, तो ये जीवन है, थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। आज कबीर साहब कहते हैं, आज कहे मैं काल बजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के बीच में तेरा वो सरजासी काल। सुबह 4 बजे माला फेरन का, माला का समय होता है, नित्यनेम का समय होता है, ऋषियों ने बताया, महापुरुषों ने बताया, उस समय थोड़ा ध्यान में बैठे। मैं आज तो नहीं, नींद आ रही, कल से शुरू करूंगा, पक्का शुरू करूंगा। और वो कल आए फिर वही बात, क्यों कि वो समय है, वो मतलब जो शैतान का समय, वो विनाश का समय कब है, 4 बजे के बाद का, 4 और 5, 5 बजे के बाद का जो समय है वो विनाश का समय है। और 4 बजे आदमी उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाए। इस्लाम, जो इस्लाम के मानने वाले भी कहते हैं, फजर में उठो, खुदा के फरिश्ते तुम्हारे द्वार पर सोने के कलश लिए हुए खड़े हैं। हमारे ऋषियों ने वेदों के अंदर बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्योदय के बाद अगर आप सोते हो, सूर्योदय के बाद अगर आप सोते हो तो प्रमाद की तरफ बढ़ोगे। ओज तेज बल बुद्धि विद्या यश धन संपत्ति श्री स्वास्थ्य और आयु सब घट जाएगी, घटती रहेगी, और तुम दरिद्रता की तरफ जाओगे। तो समय उठ करके जब ध्यान, ध्यान का मतलब जो समय आता है तो आदमी सो जाता है, और वह शैतान का समय होता है, वो सो जा। अरे देख कितनी बढ़िया नींद आ गई, अच्छी नींद आ गई, बहुत बढ़िया नींद, कोई ध्यानवान नहीं, कुछ नहीं, बस वो कह दिया था तुम्हारे ऊपर है ही नहीं कोई, बस चुप। तो एक एक कह विवेक दृष्टि से हम देखें, कितने साल के हो गए, कि 70 साल के हो गए जी, 99 साल के पिताजी, 99 साल करके होके चले, 99 साल का हो गया, बड़े राजी होते थे, इतने साल का हो गया, हो गया नहीं, घट गए, घटते घटते घटते। बच्चा कितने साल का हो गया, 10 साल का, 10 साल घट गए, गए 10 साल घट रहे, हम बढ़ नहीं रहे। बढ़ हो रहा है जो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, अपनी तरफ बढ़ रहा है, अपने अंदर जा रहा है, अपने अंदर झांक रहा है, तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर जो बोल रहा है, हंसा कौन आवे कौन जाए, बोले जाके खबर करो, ये बोल रहा है, इसी को जानना है। तो एक भजन तो ज्यादा गाता तो नहीं मैं, क्यों, गाने का अभ्यास नहीं है।